जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इनके साथ आप फोटो निकाल सकते हैं, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, ये कोई आपसे पैसे नहीं लेंगे। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा एयरक्राफ्ट रखा हुआ है, एयरक्राफ्ट मॉडल्स वगैरह और मिसाइल्स वगैरह भी रखा हुआ है, बहुत ही अच्छा है देखने में भी। और यहाँ पे बहुत सारे लोग आते रहते हैं इवनिंग टाइम पे, लोकल्स पीपल भी आते हैं और बहुत सारे नेवी के लोग भी आते हैं, और टूरिस्ट तो बहुत ही कम जानते हैं इस प्लेस को। तो मैं टूरिस्ट से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पे टूरिस्ट भी आए इस प्लेस को देखे, क्योंकि पूरे गोवा में एक ही म्यूज़ियम है और कहाँ पर भी आपको म्यूज़ियम नहीं मिलेगा गोवा में तो एटलीस्ट। सो गोवा का एक ही म्यूज़ियम है, नेवल एविएशन म्यूज़ियम, जो बोकमाड़ो में आता है। यहाँ से बोकमाड़ो बीच बहुत ही नज़दीक है, यहाँ पे लोग बोकमाड़ो आते हैं घूमने के लिए, लेकिन यहाँ पे नहीं आते हैं। बहुत सारे टूरिस्ट हैं जो बोकमाड़ो को सिर्फ जानते हैं फाइव स्टार होटल एंजॉय करने के लिए आते हैं। बोकमाड़ो में आते हैं फाइव स्टार होटल में रहने के लिए आते हैं, रहते भी है बहुत सारे टूरिस्ट लोग, लेकिन यहाँ पे एविएशन म्यूज़ियम देखने भी आते नहीं है और वो जानते भी नहीं है इस चीज़ के बारे में एक्चुअली। तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे भी गोवा में भी एविएशन की एक म्यूज़ियम है जो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप अगर फैमिली के साथ आ रहे हो तो ज़रूर आना इस जगह पे, जो देखने में बहुत अच्छा है। यहाँ पे फीस तो उतना ज़्यादा नहीं लिया जाता है, सिर्फ 50 रुपये लिया जाता है पर पर्सन, और बच्चों के लिए तो यहाँ पे सिर्फ 20 रुपया, और कैमराज और मोबाइल्स अलाउ है, लेकिन उसके लिए भी एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा। आप बच्चों को अगर भूख लग गया या फिर बड़ों को भी अगर भूख लग गया तो यहाँ पे कैंटीन है, आप कुछ खा सकते हैं, पी सकते हैं और फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बोकमाड़ो के रोड में ही आता है, ऑन द वे है, यहाँ से बोकमाड़ो ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 1 किलोमीटर है, और आप यहाँ से आ सकते हैं इवनिंग या फिर डे टाइम में, आप यहाँ पे आ सकते हैं और अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा म्यूज़ियम है, टाइम भी स्पेंड हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा आपको। अब मेरा यहाँ से जाने का वक्त आ चुका है।